Sir, may I come in? Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, may I have a seat? Thank you, sir. Nikita Yadav? Ji, sir. योगा करती हैं? जी सर. डेली? सर बीच में कभी कभी स्किप हो जाता है, अभी पढ़ाई की वजह से थोड़ा सा रूटीन अप डाउन हो जाता है, बाकी सर डेली. अच्छी बात है, दोनों ही अच्छे हैं. आप ही ऊपर से नीचे बहुत आए, फिर 91.10th में, फिर 89.70. कैसा हुआ, क्यों हुआ? नहीं सर, लॉ में मतलब मेरे पेपर्स अच्छे होते थे, बट कुछ मतलब पैटर्न अलग होगा यूनिवर्सिटीज़ का, तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया, क्योंकि जिस तरीके से हम इंजीनियरिंग में आंसर्स लिखते थे, अगर उस तरीके से हम लॉ में लिखते हैं तो थोड़े मार्क्स कम आते हैं, वो चीज़ में डिबेट ही कर पाई. सर विद्यास्थली लॉ कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी से. जी सर. बीटेक कर रखा है? जी सर. बीटेक के बाद लॉ क्यों चूज किया? सर बीटेक 12th के बाद मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरा इंजीनियरिंग ही लगा, फिर इंजीनियरिंग परस्यू करते हुए इंटर्नशिप के दौरान मुझे फील हुआ कि मुझे इस सर्विस में कंटिन्यू नहीं करना है, प्राइवेट सर्विस में. तब सर मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल दो ऑप्शंस रखे, जिसमें से मैंने लीगल चूज किया. सर ब्रांच क्या रही आपकी? इलेक्ट्रॉनिक्स. जी सर. जी सर, उसमें मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज प्राइवेट सेक्टर में. एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए. जी सर. इस लिटरेसी इम्प्लिसिट उनके लिए कितनी पढ़ाई होनी चाहिए? सर नहीं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई वो क्राइटेरिया नहीं है, बट उनको मेंशन करना होता है अपने नॉमिनेशन फाइल करते हुए एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह. आपका क्या कहना है कि दे आर आवर लॉ मेकर्स सिटिंग टुगेदर इन पार्लियामेंट और असेंबली? जी सर. हाउ इज दिस नीड चेंजेस, हाउ दिस विल बी इंप्लिसिट, एजुकेशन विल बी इंप्लिसिट? जी सर. इसके बारे में आपका क्या सोच है? सर मुझे लगता है कि जो अभी चल रहा है कि क्वालिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो सर मुझे लगता है ये ठीक है कुछ हद तक, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एक्चुअल एक्सपीरियंस, रीजनल एक्सपीरियंस बहुत है, जो ट्राइबल एरिया से भी आते हैं, क्योंकि सर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, तो हर एरिया से हर तबके के लोग आते हैं. बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अकेडमिक क्वालिफिकेशन तो नहीं होती है, पर उनके पास वर्किंग क्वालिफिकेशन होती है, वो समाज में काम करते हैं और मतलब काफ़ी उनको एक्सपीरियंस होता है. सर सर अकेडमिक क्वालिफिकेशन मुझे लगता है कि एक क्राइटेरिया नहीं रखना चाहिए इंडिया जैसी कंट्री में, पर धीरे धीरे क्योंकि अब लिटरेसी रेट इम्प्रूव हो रही है और एजुकेशन पूरी हर ट्राइबल एरियाज में भी पेनिट्रेशन हो चुका है एजुकेशन का, तो सर अब इसके बारे में सोचा जा सकता है कि कुछ एजुकेशन. सर ये मुझे लगता है कोई कमिटी बैठाई जाए और देखा जाए कि क्या मतलब ये रिप्रेजेंटेटिव क्वालिफिकेशन अगर लगाते हैं तो क्या सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी? इसके बारे में कोई आर्टिकल लिखना चाहेगी? सर लिख सकते हैं. पार्लियामेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट होती है, कौन कौन से किसको मिला के पार्लियामेंट होती है? सर पार्लियामेंट में सर प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, सर अपर हाउस एंड लोअर हाउस, सर ये तीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं पार्लियामेंट के. और असेंबली? सर स्टेट असेंबली में सर सिमिलर कंपोजिशन होता है, जिसमें गवर्नर होते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और सर लेजिस्लेटिव काउंसिल कुछ स्टेट्स में है सर, सभी स्टेट्स में नहीं है. सभी स्टेट्स में नहीं? जी सर. कौन से स्टेट्स में है लेजिस्लेटिव काउंसिल? सर महाराष्ट्र, बिहार, सर उत्तर प्रदेश, सर कर्नाटका, और सर एक मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, 5 स्टेट्स हैं आई थिंक. Six. ओके सर. टोटल सही.
चार तो हैं जवाब दे दी। हाँ आप यादव हैं जी सर। ओबीसी में हैं जी सर। रिजर्वेशन है तो मिलता है? नहीं सर नॉन यस सर नॉन क्रीमी लेयर में हूँ मैं, मुझे रिजर्वेशन मिलता है सर। जी सर रिजर्वेशन के बारे में क्या ख्याल है आपका? इंडिपेंडेंट आप अपने को उठाइए कि अभी कोई ऐसी स्थिति पहुँच चुकी है इंडिया में कि रिजर्वेशन को ख़त्म कर देना चाहिए। सर मुझे लगता है कि रिजर्वेशन अभी वो कंडीशन तो नहीं है, बहुत से अभी भी कैटेगरी बाकी है जिनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो जैसा कि लगाया गया ओबीसी में क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट, वो सर सभी कैटेगरीज में होना चाहिए सर, इंक्लूडिंग जो बाकी कैटेगरीज हैं एससीज और एसटी, ताकि जो रियल बेनिफिशियरी है वहाँ तक ये बेनिफिट पहुँच सके जिन पे अभी भी जिनको अभी भी स्ट्रगल करना पड़ता है सर ट्राइबल और शेड्यूल कास्ट में। सर शायद डॉक्टर अम्बेडकर ने ये कहा था जी सर कि जिस दिन कोई ट्राइबल महिला देश की राष्ट्रपति बन जाएगी तब रिजर्वेशन बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, आपका क्या कहना है? सर राष्ट्रपति के पद पे जी सर, क्योंकि वो सर्वोच्च पद है तो मुझे लगता है कि अगर वहाँ तक अप्रोचेबल है तो उसके लिए सर हम ये तो नहीं कह सकते कि सभी जो ट्राइबल लोग हैं वो इतने एम्पावर हो चुके हैं कि रिजर्वेशन ख़त्म कर देना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन उनको देखा जाना चाहिए कि उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में क्या उनका रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट जॉब्स में, तो सर ख़त्म कर देना चाहिए। बाकी सर राष्ट्रपति अभी जो फ़िलहाल हमारे राष्ट्रपति हैं वो बैकवर्ड क्लास से ही आते हैं सर। सर शेड्यूल्ड कास्ट से। सिविल कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी मतलब सिविल कोर्ट में फॉरेन जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी पेश की गई जी सर, तो सिविल कोर्ट क्या प्रतिक्रिया लेगा? सर जिस कोर्ट से वो कॉपी पेश करी गई वो कोर्ट कॉम्पिटेंट था वो पास करने के लिए, कॉम्पिटेंट द कोर्ट हैड ज्यूरिसडिक्शन टू पास द जजमेंट। इस जो ये जो प्रिजम्पशन है इसका रिवोकेशन हो सकता है क्या, खंडन हो सकता है, कोई आदमी बता सकता है कि नहीं 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 जी सर नहीं हो सकता? सर हो सकता है सर, वो रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, अगर कोई आदमी उसे डिसप्रूव करता है तो इसका खंडन पॉसिबल है सर अंडर सेक्शन 14 सिविल प्रोसीजर कोड। जी सर ये हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इट इज सेड टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, क्या इससे क्या हम बात निकालते हैं, इसका मतलब क्या होता है? हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इज सेड टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, क्या इसका अर्थ क्या है? सर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से अर्थ है कि जो भी जजमेंट्स पास होते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वो एज अ प्रेसिडेंट फॉलो करे जाते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ स्टेर डाइसिस दैट इज डिसीजन मस्ट स्टैंड, उस प्रिंसिपल पे। और जो लोअर कोर्ट्स होते हैं सर उन डिसीजन के बेसिस पे सर जजमेंट देते हैं फर्दर, तो सर इसी चीज़ को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जो लॉ है जी सर प्रेसिडेंट है वो कौन से आर्टिकल में वो binding hai on all the courts or institutions of the country? Sir, Article 141 of Constitution. Now, where is the similar provision as regards the High Courts? Sir, because the High Court, Supreme Court is a judgment hai, because they are the court of record, shall be binding on all the subordinate courts or all the courts. Supreme Court ke liye High Court bhi binding hai, even Supreme Court par bhi binding hai. Ji sir. Wo equal strength ke benches hai, bhi binding hai. High Court ke liye kaun sa aisa provision hai ki High Court ki judgment bhi binding hai, Constitution mein kahan likha hua hai? सर बाइंडिंग तो नहीं पर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड सर आर्टिकल 215 में मेंशन है कि हाई कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और सर हाई कोर्ट का सुपरिंटेंडेंस का प्रोविजन है बट बाइंडिंग इफेक्ट का कहीं पे भी प्रोविजन नहीं है सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। जजमेंट ऑफ अदर हाई कोर्ट्स सपोज बिहार हाई कोर्ट जी सर ही इज बाइंडिंग ऑन द राजस्थान हाई कोर्ट और द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ अंडर राजस्थान? नो सर, सर जो हाई कोर्ट का जजमेंट होता है उनकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में जो भी कोर्ट्स आते हैं सर उन पर बाइंडिंग होता है बट राजस्थान हाई कोर्ट पर सर बाइंडिंग नहीं है। नहीं जिस मामले को रहता है हाई कोर्ट को जजमेंट नहीं है संदर्भ में जी सर, नहीं होगा फिर भी? नहीं सर, जो हियरिंग होती है उसमें एडवोकेट्स बाकी हाई कोर्ट्स के जजमेंट भी एज अ प्रेसिडेंस देते हैं, बस सर बाइंडिंग आई थिंक बाइंडिंग नहीं है सर, मैं इसमें श्योर नहीं हूं। कौन स्टेट का जिसमें सबॉर्डिनेट कोर्ट्स है जी सर, कौन स्टेट का जजमेंट है डेफिनेट उस तो देखो उस मैटर पे तो डेफिनेटली वो तो फिर हाई कोर्ट का जिस कोर्ट का रीन है हाई कोर्ट के वो बात है बात, लेकिन उसमें वो हाई कोर्ट जिसमें वो फैसला कर रहा है वो मोड है उसमें कोई जजमेंट नहीं है,
और बिहार का या दिल्ली का कोई जजमेंट हाईकोर्ट का पेश कर दिया किसी के सामने चौबीस कोर्ट के सामने, तो मानेगा के बाद देखिए वो मामले के लिए। सर बाद देने होंगे लेकिन हाँ वो पेश कर सकते हैं सर, इस चीज़ के लिए मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ, इस चीज़ के लिए सर मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ सर। बाद पर्सुएसिव वैल्यू, जी सर पर्सुएसिव वैल्यू डेफिनेटली इट हैज़ अपॉन द जज हाउ ही इज और सी एग्रीस टू दैट, जी सर लीगली। ए एक ए आर ए आर्मी है, 20 साल की उम्र है, उसको वीने जाते हुए रोक लिया और रोक के 3 फुट दीवार है ऊंची उसको बैठा दिया, उसको ऑफेंस हुआ क्या सर? उसको रोक के अगर वो बैठा देता है और उस दीवार से नीचे सर किसी वजह से नहीं उतरने देता है तो सर वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो जाएगा, उसे एक तो सर वो तो फिर वहां से निकल के जा सकता है तो वो सर कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा। कौन सा ऑफेंस फिर भी हुआ है उसको रोका उसको वहां 3 फुट की दीवार बैठा दिया चला गया वो तो बस मान लो तो उतर के उतर जाएगा 3 फुट चलो ठीक है तो कोई 20 साल का है कोई दिक्कत नहीं है जी सर, फिर भी हुआ ही नहीं हुआ सर उसे रोकना रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट माना जा सकता है बाकी से। एक व्यक्ति मर्डर करके जी सर और भाग रहा है ही रनिंग बैक आफ्टर कमिटिंग मर्डर द अदर मैन हु वाज देयर ही नोटिसेस दिस जी सर कैन ही एक्सरसाइज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस or can you do anything with that person who is running away after committing murder? What right he can exercise? Is right of private defense available to him? Sir, right of private defense sir उसी person को available होता है sir जिसको apprehension है grievous hurt या death का sir वो person जो सिर्फ देख रहा है eye witness है sir उसको right of private defense नहीं है but वो apprehend कर सकता है arrest कर सकता है under section 40 सर आई थिंक 42 सर सर क्योंकि सर ये सर कॉग्निजेबल सर कॉग्निजेबल नॉन अवेलेबल ऑफेंस है सर और सर उनके अपीयरेंस में हुआ है तो वो अरेस्ट कर सकते हैं सर। नाउ इन फॉर दैट सपोज द अदर मैन इज आल्सो हैविंग ए आर्म विद हिम पिस्टल और एनीथिंग कैन ही फायर ही इज रनिंग अवे कैन ही फायर टू कैच होल्ड हिम so the person who's arresting him who's arresting is as a private person can arrest also so can he fire the arm to stop him and to arrest him to what extent his authority of arrest can go sir authority of arrest person jo arrest kar raha hai wo agar fire karte hain to sir wo fire to sir is cheez ke liye main sure nahi hu lekin agar aap allow karenge to main anuman lagana chahungi sir सर आई थिंक फायर करने की भी हो सकती है क्योंकि अरेस्ट में दिया हुआ है कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस कमिट आपने किया है जिसमें डेथ से जो पनिशेबल है लाइफ इम्प्रिजनमेंट से तो सर पुलिस को अलाउड है सर अरेस्ट करते हुए सर फायर करना सर प्राइवेट पर्सन का आई एम नॉट श्योर रीजनेबल फोर्स कैन बी यूज्ड यस टू अरेस्ट ए पर्सन जी सर इट विल डिपेंड अपॉन द फैक्ट्स ऑफ द केस वेदर फायर इज एसेंशियल टू मेक द अरेस्ट ऐसी परिस्थितियों को वो तो फायर भी कर सकते हैं जी सर ऐसी जगह फायर करें जिससे कि वो जिसको रोका जा सके जी सर। ये प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए जी सर एमएलएज और एमपीज जी सर ठीक है या एमएलसी आप बोल दो एमपीज बोल दो एमएलए बोल दो इनकी वोटों की गणना कैसे होती है? एमएलए राजस्थान का एमएलए वो प्रेसिडेंट के लिए वोट देंगे तो उनकी वोटों की गणना कितनी होगी एक एमएलए का कितना वोट होगा पहले तो बताइए कि सारे जितने एमएलए हैं राजस्थान की उनकी वोट बराबर होगी या अलग अलग होगी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोई 12 का कोई ड्यू ए तो लेने भी तक राजस्थान की होगी सर तो अलग अलग जगह अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से पॉपुलेशन अलग अलग भी है लेकिन क्या ये जितने भी राजस्थान में 200 एमएलए हैं जी सर उनकी सबकी वोटिंग जो है बराबर होगी और होगी तो किस वोटिंग वैल्यू जो है ना वो बराबर होगी या अलग अलग होगी किस मेथड से होगी किस मेथड से उनकी वो वोटिंग निकालेंगे कि एक एमएलए की इतनी वोट मान जाएगी सर प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन का प्रिंसिपल फॉलो होता है प्रेसिडेंट के उनमें तो जो भी एमएलएज हैं और जो एमपीज हैं उनकी वोटिंग वैल्यू इक्वल रखी जाती है
और टोटल पॉपुलेशन ऑफ दिस एमएलए की, एक एमएलए की राजस्थान का ही ले लीजिए आप जी सर, राजस्थान में हम चलो हाइपोथेटिकल लेते हैं, वैसे सही भी है कि 200 एमएलए हैं और यहाँ की पॉपुलेशन मान लो 10 करोड़ है जी सर, एक एमएलए की वोट कितनी काउंट होगी, क्या फार्मूला है उसका? सर टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ सीट्स एमएलए सीट से और सर डिवाइड करेंगे 1/1000 से, मल्टीप्लिकेशन होगा सर 1/1000 से सर। एंड देन हाउ इज द एमपीज वोट विल बी काउंटेड? सर एमपी वोट के लिए भी सर सिमिलर फार्मूला है सर, सर वो सर जी सर सिमिलर नहीं है सर, वो मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ वाला फार्मूला। ऑल द वोट्स एट्रिब्यूटेड टू द स्टेट असेंबलीज एमएलए और एमएलसी डिवाइड बाय द नंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स जी सर, थैंक यू सर। सरकारी नौकरियों में लेडीज कहाँ दिया हुआ रिजर्वेशन का? सर वेमेन को सर 15 आर्टिकल 15 के क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि आप स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं रिगार्डिंग वेमेन एंड चिल्ड्रन। सर 16 जो कि नौकरियों की बात करता है सर, उसमें स्पेशली वेमेन को नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि 15 के क्लॉज 3 में दिया हुआ है स्पेशल प्रोविजन, तो सर उसके तहत सर रिजर्वेशन दिया हुआ है। अच्छा, एक प्रॉब्लम मैं आपको शेयर करता हूँ, 5-7 लोग मिलकर जी सर किसी व्यक्ति को मारने जाते हैं, पीटने जाते हैं, और 5-7 में एक व्यक्ति उसमें से क्या करता है, अपने थैले में से चाकू निकालता है और चाकू देता है उसे, और ये बात सिर्फ उसको ही पता थी जिसने चाकू मारा, बाकी को नहीं पता। तो क्या इन सबने बराबर ऑफेंस किया है या इनकी जो लायबिलिटी है बराबर है या अलग अलग है, क्या है? सर क्योंकि वो 5-6 लोग जो भी गए थे उन्होंने पहले जो कॉमन इंटेंशन फॉर्म किया था वो सर हर्ट या ग्रीवियस हर्ट कॉज करने का था, मारपीट का था, लेकिन क्योंकि उनको नॉलेज नहीं थी कि ऐसा भी एक मेंबर कर सकता है, तो आई थिंक सर बाकी लोग लायबल नहीं होंगे। जो जिस पर्सन ने सर मारा है, डेथ कॉज करी सर, वही अकेला मर्डर के लिए लायबल होगा, बाकी सब सर ग्रीवियस हर्ट के लिए हो सकते हैं। तो ये कहाँ है ऐसा प्रोविजन, क्या हाँ है ऐसा, डिवाइड कैसे करें इनको, कहाँ दे रखा है कोई ऐसा प्रोविजन जी सर? सर सेक्शन 34 बात करता है सर कॉमन इंटेंशन की, सामान्य आशय अलग करने की। आपने कहा ना कि एक तो लायबल हो जाएगा मर्डर के लिए, बाकी नहीं होंगे, बाकी ने जो ऑफेंस किया उसके लिए हो जाएंगे, ऐसा प्रोविजन कहाँ है? सर सिमिलर तो सबको कहता जी है सर, आई थिंक सर मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन सर आई थिंक 35 सेक्शन 35 बात करता है, अलग अलग 38 करता है। कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है? सर कॉमन इंटेंशन में 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं, कॉमन ऑब्जेक्ट में सर 5 or more than 5 पीपल होते हैं, और सर वो कोई भी 5 में से एक ऑब्जेक्ट जो सेक्शन 141 में मेंशन है, अगर वो उनको करने के लिए सब एक असेंबली फॉर्म करते हैं और उसका वो पार्ट होते हैं तो सर वो कॉमन ऑब्जेक्ट है सर। जी सर वो सर प्री मीटिंग ऑफ माइंड सर असेंशियल कंडीशन है कॉमन इंटेंशन के लिए अंडर सेक्शन 34, और सर सेक्शन 34 कोई सब्सटैंटिव ऑफेंस नहीं है सर, कॉमन ऑब्जेक्ट रखना अंडर 149 सेक्शन आईपीसी सर एक सब्सटैंटिव ऑफेंस है। 34 में लिखा हुआ है मीटिंग ऑफ माइंड? नो सर। सर इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन मेंशनड है? कॉमन इंटेंशन मेंशनड है मीटिंग ऑफ माइंड? नहीं सर, सर ये जो भी डिसीजंस आए सर कोर्ट के सर उनसे या सर जो इंटरप्रिटेशन है इंटरप्रिटेशन में आया है सर, इंटरप्रिटेशन में सर मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज के लिए, सॉरी सर। सुप्रीम कोर्ट से एक एसएनपी खारिज होती है जी सर, सर SLP अगर कोर्ट ने SLP खारिज किया जी सर सिविल मैटर्स में, अगेंस्ट रिट गए इसमें SLP भी SLP खारिज हुई, उसके अगेंस्ट क्या रेमेडी है हमारे पास? सर जो नॉर्मल अपील प्रोविजन है सर वो फॉलो कर सकते हैं अगर अपेलेट उस अपील में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी, उसके अगेंस्ट अपील में जा सकते हैं। सर सुप्रीम कोर्ट में अगर नॉर्मल अपील जो लगती है सर आर्टिकल 134A का सर्टिफिकेट के बाद,
अंडर आर्टिकल 133, तो वो सर उसके बाद है या नहीं पॉसिबल, ये मुझे आइडिया कम है। नहीं, रिव्यू वगैरह का सर, रिव्यू पिटीशन सर, मुझे रिव्यू पिटीशन का आइडिया नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट में। पिटीशन का नाम सुना है? जी सर। उसका क्या कांसेप्ट है? सर कॉन्सेप्ट नहीं पता, पर सर एक जजमेंट जो जिसके बेसिस पे सर आया था, सर अशोक हुर्रा वर्सेस रूपा अशोक हुर्रा, सर वहाँ से क्यूरेटिव पिटीशन का प्रिंसिपल आया सर। सिविल केसेस में आप इशू फ्रेम करोगे ना? जी सर। जी सर। आफ्टर फ्रेमिंग इश्यूज आपको ऐसा लगता है देयर इज अ ज्यूरिडिक्शन इशू आल्सो, the court has no jurisdiction to try the case, or suit is not maintained for certain reasons barred by law. So, whether it is incumbent upon the court, necessary for the court to decide this, that issue as a preliminary issue? Because if you decide that issue and set the issue against the plaintiff, suit will go, you may not decide the other issues. But whether it is incumbent upon the court, it is necessarily to be decided as a preliminary issue, or court can decide all the issues together? सर जो इश्यूज ऑफ लॉ होते हैं सर उनको पहले डिसाइड किया जाता है। सर इश्यूज ऑफ लॉ अगर डिफेंडेंट क्लेम करता है कि देयर इज नो ज्यूरिसडिक्शन, तो उस केस में सर नेसेसरी होता है इशू फ्रेम करना, अदरवाइज सर इशू फ्रेम करना नेसेसरी हो गया। जी फ्रेम इशू में भी अंडर प्रोपोजिशन ऑफ लॉ इन फैक्ट बोथ, नाउ इशू इज फ्रेम दैट द कोर्ट हैज ज्यूरिसडिक्शन और नॉट, इट इज बार्ड बाय वक्त पे एक्ट और बार्ड बाय जेडीए एक्ट और बाय एनी एक्ट, बिकॉज़ ट्रिब्यूनल इज हियर टू ट्राई द मैटर। And other issues are there, whether the plaintiff is right title interest, whether the defendant is right title, or other issues are there. So, क्या जरूरी है कि court की उसको पहले preliminary issue तय करे या सारे issues को साथ तय करे, या court की wisdom पे आएगी? Sir, preliminary issue को पहले, sir issues of law को पहले decide करना होता है। करना होगा, must है। जी sir, sir जहाँ तक मेरी जानकारी में है, sir मुझे लगता है mandatory है पहले law के issues को decide किया जाए, उसके बाद proceed किया जाए sir factual issues पे। सपोज बोलो नो इशू है एज ए प्रिलिमिनरी इशू, दैट इशू वाज डिसाइडेड बाय द ट्रायल कोर्ट अगेंस्ट द प्लेंटिफ एंड द सूट इज डिसमिस्ड ऑन दैट ग्राउंड, द प्लेंटिफ फाइल्स अपील, द ऑर्डर ऑफ द ट्रायल कोर्ट इज रिवर्स्ड बाय द हाई कोर्ट बाय द अपीलेट कोर्ट, द मैटर इज रिमांडेड टू डिसाइड अदर इशूज। So there is a possibility of prolongation of the trial. In Punjab, we tried it. Then appeal. Mein kuch saal lag gaye. Wahan se reverse ho gaya. Adesh wapas aa gaya. Fir wapas trial shuru ho gayi hai. So how can we prevent this prolongation of the trial? So prevention for sir, iska remand ka provision order 41 rule 23 mein given. What you want to say alternatively, suppose you have decided all the issues, right? Yes, sir. Including issue on law also. Issue on law against the plaintiff, other issues also either against or for. Now, against that, appeal was taken to the High Court. And High Court or the Appellate Court says that no, suit is maintainable, court has jurisdiction. Matter is not to be remanded now. Court will answer the other issues also what you have answered. And matter can be decided finally there. So in that circumstances, what is your opinion that we should decide all the issues or first the issue of jurisdiction? In this factual situation where matter may prolong for another 20 years, High Court will decide in 7-8 years, matter will come back to you, you will not be officer there, you will be a judge by that time. He will take another 10 years to decide the matter. So it is not the basic purpose of fair or fast trial. सर रिमांड में जनरली प्रीलिमिनरी इश्यूज पे जब कोर्ट डिसाइड कर देता है और बाकी इश्यूज पे हियरिंग ही नहीं होती है, तो सर हियरिंग का तो सर भले ही टाइम लगे। आप ये कहना चाहती हैं कि इफ देयर इज अ प्रीलिमिनरी इशू ऑन लॉ दैट टू टचिंग द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट और सूट बीइंग नॉट मेंटेनेबल और बार्ड बाय एनी लॉ, दैट इशू शुड बी टेकन फर्स्ट एज अ प्रीलिमिनरी इशू, दैट शुड बी आंसर्ड। इफ देयर इज आंसर्ड इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ, ट्रायल फॉर द रेस्ट ऑफ द इशू शुड प्रोसीड। इफ इट इज अगेंस्ट द प्लेंटिफ, फाइन, यू हैव वन डिस्पोजल ऑन योर रिकॉर्ड। Yes, sir. Right? Yes, sir. What is the about suit against the minor?
4 ओवर अगेंस्ट माइनर, व्हाट इज द लॉ अबाउट दैट? सूट फॉर एंड अगेंस्ट द माइनर. सर ऑर्डर 32 टॉक्स अबाउट द सूट फॉर और अगेंस्ट माइनर. सर माइनर अगर सूट फाइल करना चाहता है एज अ प्लेंटिफ तो सर नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू कर सकते हैं. और सर अगर माइनर डिफेंडेंट है परमिशन इज नीडेड टू फाइल अ सूट ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर थ्रू द नेक्स्ट फ्रेंड. जी सर. सर नेक्स्ट फ्रेंड के लिए सर कोर्ट से लीव लेनी होती है टू फाइल अ सूट. और सर डिफेंडेंट अगर माइनर डिफेंडेंट है तो सर उनके लिए गार्डियन एड लिटम अपॉइंट किया जाता है. वही सर डिफेंड कर सकते हैं. माइनर खुद पर्सनली डिफेंड नहीं कर सकता. सर नेक्स्ट फ्रेंड यू टेल मी. सर नेक्स्ट माइनर बॉय इज देयर, हिज फादर मदर दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्रोटेक्टिंग हिज इंटरेस्ट ओवर द प्रॉपर्टी. दे आर समहाउ नॉट इंटरेस्टेड. नाउ दे आर नॉट कमिंग एज ए नेक्स्ट फ्रेंड टू फाइल द सूट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द. नाउ हु एल्स, एनीबॉडी एल्स कैन कम एज ए नेक्स्ट फ्रेंड? व्हाट इज द लॉ अबाउट? Sir, any person can be the next friend provided he does not have an adverse interest to that of the minor. Yes. And he is competent otherwise, that is he is sound and a major. In that case he can be a next friend. Perpetual minor word suna hai sir? Perpetual minor. Sir, suna nahi hai, but I believe sir unsound mind person ke liye shayad use ho sakta hoga. Sir, main एस्टिमेशन लगा रही हूँ सर, मैं गैस कर रही हूँ. अभी मंदिर के केसेस के बारे में सुने हैं सर? मंदिर जो कि मंदिर की तरफ से कोई सूट फाइल हुआ उसकी प्रॉपर्टी के लिए. जी सर. सर राम, जी सर राम जी नाम सर. मूर्ति की कोई सूट फाइल हुआ? मूर्ति के नाम तो ओनली प्रॉपर्टी ना अंडर द लॉ. सर आइडल को सर पार्टी तो नहीं माना जाता उनकी तरफ से कोई मठ या कोई मूर्ति को मेजर मानते हैं या माइनर मानते हैं, क्या मानते हैं? सर वो शायद लीगल पर्सन की कैटेगरी में नहीं आती है सर. आइडल्स परपेचुअल माइनर जो मंदिर मूर्ति होती है वही है उसको मानते हैं. जी सर. तो उसकी प्रॉपर्टी को हमेशा प्रोटेक्ट रखा जाता है, वो कभी मेजर नहीं होता. कितनी भी साल बाद उसकी प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्जा कर लिया या कुछ हो गया तो वो कभी भी सूट नहीं कर सकता. उसमें लिमिटेशन वाला जो प्रोविजन है. थैंक यू सर.